देखो रिटायरमेंट में ना सबसे पहले रेशियो में देखो टाइप वन में क्या है, देखो इसमें कहीं गेनिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा, ठीक है। किसी में गेनिंग रेशियो जैसे ए बी सी कितना पार्टनर है, तीन है, कितना किस रेशियो में बांट रहा है, 3:2:1, ठीक है। कैलकुलेट न्यू रेशियो, हम लोगों को क्या निकालना है, न्यू रेशियो अगर ए में क्या लिख रहा है, ए रिटायर हो रहा है, देखो क्या करना है, टाइप वन में जिस तरह एडमिशन में था ना टाइप वन, देखो सबसे पहले वन लिख दो यहाँ, ए इज टू बी इज टू सी है ना, कितना था, 3:2:1, ठीक है। कौन रिटायर हो रहा है, ये ना, ए को डायरेक्ट साफ कर दें, हटा दो ए को, क्या करो हटा दो, डायरेक्ट हो जाएगा न्यू रेशियो, कितना हो जाएगा, न्यू रेशियो बी इज टू सी इक्वल टू 2:1। और गेनिंग रेशियो भी यही होगा, ठीक है। गेनिंग रेशियो भी क्या होगा, टाइप वन है ना ए, गेनिंग रेशियो भी क्या होगा, 2:1, ठीक है। यहीं पर समझा देते हैं, तुम लोग अपने से बना लेना सेकेंड और थर्ड। फिर इसी तरह लिखेंगे ए इज टू बी इज टू सी, फिर इस तरह यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या करना, बीच वाला हटा देना, बी रिटायर हो रहा है ना, ठीक है। कौन रिटायर हो रहा है, बी, बी को हटा देंगे, ठीक। 3:1 हो जाएगा ए इज टू सी, ठीक है। सी फिर लास्ट वाला में सी रिटायर हो रहा है ना, सी को हटा देंगे, तो ए इज टू बी कितना हो जाएगा, 3:2, और गेनिंग रेशियो भी यही होगा और न्यू रेशियो भी क्या होगा, ए। तो समझ गया था, इसमें कैसे जानेंगे टाइप वन में है तो कुछ कहीं नहीं लिखा रहेगा कि जैसे जो मान लो ये रिटायर कर रहा है, कौन रिटायर कर रहा है, ये, तो ए अपना शेयर को छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब ए सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो उसका शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन करेगा, मतलब गेनिंग रेशियो अगर नहीं दिया रहेगा तो समझ जाना क्या है, टाइप वन में है, ठीक है। इतना लिखो, अपने से बना लो 2 और 3, इसके बाद तुम लोग को ठीक बताते है, आगे क्या लिख रहा है। ए बी सी पार्टनर है किस रेशियो में, 3:1 में। मान लेते कि सी रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, ठीक है, सी रिटायर एंड ही शेयर टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो 2:1 कर देते हैं, ठीक है, 2:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो, ठीक है। अब समझो इसमें हम लोग का गेनिंग मतलब दिया हुआ है, तो देखो इसमें अब उस तरह से नहीं बनाएंगे, अब क्या करेंगे, गेन हम लोग का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गेन, ठीक है। जैसे देखो सी रिटायर हो रहा है ना, कौन रिटायर हो रहा है, सी का कितना, 1/6 ये सेक्रीफाइस करके जा रहा है, कितना करके जा रहा है, 1/6। तो देखो ए गेन करेगा और कौन भी गेन करेगा, बी, कितना वो छोड़ के जा रहा है, 1/6 का, ठीक है। ए लेगा 2/3, ए ले लेगा 1/, समझ में आया, गेनिंग रेशियो दिया हुआ था ना, कि जो 1/6 वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है वो ए और बी आपस में ले लेगा, कितना, 2:1 में। तो अब न्यू रेशियो देखो, सेकेंड स्टेप, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन, ए का ओल्ड कितना, 3/6, यही तो तुम लोग आदत है, दो को ही जोड़ती है, कभी भी रेशियो पूरा जोड़ना, 3/6 प्लस 2/18, ठीक है, 2/6 3 बार में 3 और बी का 2/6 प्लस 1/ ये ना होगा 18 18 बराबर हो गया, मान लो नहीं बराबर होता ना तो हम लोग बराबर कर लेते, आया समझ में। ये क्या हम लोग का फॉर्मेट हुआ, जब गेन रेशियो दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जब हम लोग का गेनिंग रेशियो क्या रहेगा। अब यहीं तुम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ लिख देगा इक्वली, कि दोनों पार्टनर इक्वली ले, तो 1:1 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, एक दो और होगा बताते हैं इसके बाद।